का जो प्रोडक्ट है मैं एक सब्सक्राइबर को अपने प्रोवाइड करूंगा, मैं अपने तरफ से, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूं आप लोगों से, और मैं इस वीडियो में और एक स्पेशल चीज़ करने वाला हूं। मैं थोड़ा देर बाद बताता हूं, सबसे पहले मैं आज बताता हूं इस वीडियो में मैं करने क्या वाला हूं। तो आज मैं जो बिग मसल रियल मास गेनर का जो मतलब यूज होता है ना, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा स्किनी है, जिनका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, जो कि जल्दी रिजल्ट पाना चाहते हैं, उन लोग के लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। मैं ऐसे एक शेक बताने वाला हूँ जिसमें हम लोग बिग मसल को मिला के अच्छे से यूज करेंगे तो हमारा वेट कम से कम 6 से 7 किलो एक महीने में ही बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो गाइस, मैंने जैसे बताया कि आप लोगों को और एक चीज़ स्पेशल होने वाली है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं मतलब एक सप्लीमेंट का गिव अवे करने वाला हूँ, जो कि बिग मसल का ही होगा। ये मैं 1.5 किलो का जो प्रोडक्ट है मैं एक सब्सक्राइबर को अपने प्रोवाइड करूंगा, मैं अपने तरफ से, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा गाइस, आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और प्यारा सा कमेंट कर दे, जो कि मतलब एक क्वेश्चन एक पूछें जो कि सबके लिए हेल्पफुल हो, जिसका आंसर देने में मुझे भी अच्छा लगे, तो गाइस ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते बिग मसल की। तो इसके मैंने आपको जो है इसकी डिटेल वीडियो में डाल रखी है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो बना रखी है, आप लोग जाके उसको देख ले, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। इसका जो स्कूप है 1 to 75 ग्राम का है, ठीक है। तो हम पहले इसकी न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं उस शेक के बारे में बताऊँगा, और फिर दोनों के न्यूट्रिशन को मिक्स करेंगे, उसके बाद बात करेंगे हम लोग को टोटल एक शेक में कितना न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमें जो मास गेनर का और जो भी वेट गेनर का जो सबसे ज़रूरी काम होता है वो होता है कि हमारा एनर्जी, ठीक है, कैलोरी को अच्छे से मतलब अपने हमारे बॉडी को देने के लिए मास गेनर या वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब लेते हैं। तो हमारा बेसिक काम जो मास गेनर और वेट गेनर दोनों सेम है, दोनों का जो काम होता है, बेसिक काम जो होता है वो हमारा वेट गेन करना होता है। गाइस, हमारे बॉडी को ये पता नहीं रहता है कि हम उसको न्यूट्रिशन कहाँ से दे रहे हैं, उसको जो भी हमारा फूड कहाँ से या फूड से दे रहे हैं या सप्लीमेंट से दे रहे हैं, उसको पता नहीं रहता है। उसको बस वो चीज़ चाहिए रहता है जो कि उसको इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो कि उसका मतलब आपके बॉडी को गेन करेगा, रिपेयर करेगा, उसको वो चीज़ चाहिए रहता है। ऐसे नहीं कि मतलब वो फूड से ही मिले तो अच्छा है, ऐसा नहीं। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है गाइस, आप लोग ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, मैं भी कॉलेज जाता हूँ, ठीक है, मेरे पास भी उतना टाइम नहीं होता है। और जो कि यह मास गेनर बहुत ईजी है, 2 सेकंड में बस पानी में डाला या दूध मिल्क में डाला और शेक किया, रेडी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इसके न्यूट्रिशन के बारे में बात करता हूँ, और जो भी आप लोगों का डाउट होगा गाइस, आप लोग मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं आप लोग का आंसर विद इन 15 मिनट आप लोगों के पास आंसर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो कैलोरी है 280 ग्राम है, प्रोटीन है 16 ग्राम, और टोटल कार्बोहाइड्रेट है 53 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट का भी बहुत ज़्यादा हाथ रहता है गाइस हम लोग के बॉडी को बल्क करने में, वेट गेन करने में। उसमें फैट है 1.5 ग्राम, शुगर है 3 ग्राम, और जो कि एलुसिन और एलविलिन ये सब है, BCAA 2.1:1 है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो शेक हम लोग करने वाले हैं, हम लोग उस शेक में यूज करेंगे 3 बनाना मिल्क। आप लोग 300 ml भी ले सकते हैं, 500 ml भी ले सकते हैं, मैं गाइस 500 ml लेता हूँ, ठीक है। जो एक पैकेट दूध आता है वो 500 ml का होता है, मैं पूरा डाल देता हूँ उसको। और उसके साथ में हम लोग एक चम्मच पीनट बटर ऐड करेंगे उसका टेस्ट के लिए, और उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को हेल्दी फैट भी मिल जाएगा, कैलोरी और प्रोटीन भी हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो मिल्क में जो हमको आधा मतलब 500 ml मिल्क में हमको 210 ग्राम कैलोरी मिलता है, प्रोटीन मिल जाता है आप लोगों को 17 से 18 ग्राम, और भी बहुत सारे कैल्शियम ये सब बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स हम लोग को अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। तो हमारे बॉडी के लिए मिल्क बहुत ज़रूरी होता है, और वो हमारे कैल्शियम का एक तो बहुत अच्छा सोर्सेस है। तो हम उसके साथ में फिर बनाना भी ले रहे हैं, 3 बनाना ले रहे हैं, और कम से कम 300 ग्राम कैलोरी हो जाएगा उसमें, अच्छा खासा कार्ब्स हो जाएगा, 3 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा, और एक चम्मच जो है पीनट बटर लेने वाले हैं, उसमें भी हम लोग को अच्छा खासा हेल्दी फैट
और जो भी है हमारा प्रोटीन हो गया और कैलोरी मिल जाएगा। तो गाइस अगर हम लोग इन सबको ऐड करें तो लगभग 800 ग्राम कैलोरी हो जा रहा है हमारा, लगभग 103 ये से 104 ग्राम कार्ब्स हो जा रहा है हमारा, फैट जो भी है फैट हो जा रहा है हम लोग का हेल्दी फैट कम से कम 12 से 14 ग्राम हो जाएगा, और भी बहुत सारे जो कैल्शियम हो गया और भी जो हमारा न्यूट्रिशन हम लोग को फुलफिल हो जाता है। गाइस हम लोग जो है एक्चुअली यूज क्यों करते हैं आप लोगों को पता है ना, हम लोग का जो डेली का कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाता है जिसके वजह से हमारा वेट नहीं बढ़ता है और हमें हमारे वेट गेन नहीं होता, तो हम लोग को बहुत बुरा लगता है यार मैं पतला हूँ, बहुत लोग चिढ़ाते हैं, मेरे साथ भी बहुत ऐसा होता था, मुझे बहुत लोगों ने मतलब बहुत कुछ बोला है, उससे ही मैं मोटिवेट होके आज इस लेवल तक पहुँच पाया, एक अच्छी फिजिक्स मुझे मतलब जितना अच्छा चाहिए था मुझे उतना अच्छा फिजिक्स मिल चुका है, पर मैं उससे भी अच्छा ट्राई कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा बहुत अच्छे से अच्छे फिजिक्स तक पहुँच पाऊँ। ठीक है गाइस, तो ये शेक आप लोग करेंगे जिस मैंने बता रखा है 500 ml ले सकते हैं मिल्क, 3 बनाना, 1 चम्मच पीनट बटर और साथ में 1 स्कूप जो इसका 75 ग्राम का, इसको हम लोग ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, अच्छे से मिक्सर में मिक्स करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सुबह सुबह भी यूज कर सकते हैं गाइस ब्रेकफास्ट में, नहीं तो आप लोग मैं तो बोलूँगा आप लोग अगर इसको जिम के बाद यूज करें तो पोस्ट वर्कआउट में यूज करें तो बहुत अच्छा होगा गाइस, हम लोग का जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होगा, हमारा मसल जो रिपेयर बहुत फास्ट होगा। ठीक है, और जो कि प्रोटीन जो होता है फूड के मुकाबले जल्दी थोड़ा डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो आपको जो है साथ ही साथ आपका मसल जो है कुछ ही देर में रिपेयर हो जाएगा और आपको अच्छी खासी कैलोरी मिल जाएगी, इससे आप लोग बहुत अच्छा अपना वेट गेन कर सकते हैं। और मेन जो हो गया आप लोग को दिन भर जो है आपको ना आलसीपन नहीं लगे, आपके बाकी सब काम में भी आप लोग का मन लगेगा, आप लोग को एनर्जी फील होगा, और भी सारे जो भी काम है आप जॉब करते हैं पढ़ाई करते हैं हर जगह आप लोग को अच्छे से मन लगे, अगर आप लोग का पेट भरा रहेगा न्यूट्रिशन आप लोग का कंप्लीट रहेगा तो आप लोग बहुत अच्छा मतलब अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो गाइस अगर और आप लोग का जो भी डाउट है गाइस आप लोग मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं गाइस कि ये वीडियो आप लोगों को कितना हेल्पफुल लगी, अगर हेल्पफुल लगी तो गाइस प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दें, मैं अभी यूट्यूब पर नया हूँ तो आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए जय हिंद।